रिलेटेड जो न्यूज़ होता है वो भारत पे बहुत असर डालता है। अब ये न्यूज़ है, धड़ाधड़ चीन जा रहे हैं खाली कंटेनर, भारत में पड़ गई भारी अकाल, आखिर क्या है माजरा जानिए। देखते हैं माजरा क्या है। नई दिल्ली, ये कवर किया है नवभारत टाइम्स ने। अमेरिका और चीन के बीच में चल रही तनातनी से भारत पर असर हो सकता है। अमेरिका ने चीन से आने वाली कुछ चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। इस टैरिफ के लागू होने से पहले चीन अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान अमेरिकी बाज़ारों में भेजना चाहता है, इसलिए खाली कंटेनर चीन भेजे जा रहे हैं। इससे भारत में कंटेनर की भारी कमी हो गई है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कमज़ोर वैश्विक मांग के बीच में अगस्त और सितंबर में भारत एक्सपोर्ट में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से निर्यातकों को अपना माल भेजने के लिए कंटेनर नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, कंटेनर नहीं मिल रहे हैं। अमेरिका के बाइडन प्रशासन ने चीन की कई वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने की घोषणा की। इससे स्टील से लेकर सोलर सेल, लिथियम आयरन बैटरी और उनके पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मेडिकल प्रोडक्ट शामिल हैं। इस टैरिफ को इस साल से 2026 तक कई चरणों में लागू किया जाना है। यही वजह है कि अमेरिका इस टैरिफ से लागू होने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सामान अमेरिका भेजना चाहता है। अब ये क्या बात हो गया भाई, टैरिफ भी लगा रहे हो और दूसरी तरफ उसको उससे सामान भी ले रहे हो। अमेरिका बहुत दोनों चाल चलता है। इस कारण चीन में कंटेनरों की डिमांड अचानक बढ़ गई है और दुनिया भर से खाली कंटेनर चीन भेजे जा रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यमन के हुती विद्रोह के अंदन की खाड़ी से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया था। इस कारण कंटेनर की दरों में तेजी उछाल थी, लेकिन हाल ही के दिनों में इससे नरमी आने लगी थी, लेकिन निर्यातक को परेशानी फिर बढ़ने लगी। अच्छा, लंबा इंतजार। चीनी वस्तुओं पर अमेरिका का हाई टैरिफ अगस्त से लागू होने लगा है। यही वजह है कि चीन एक्सपोर्ट जल्दी से जल्दी अपना माल अमेरिका भेजना चाहता है। खाली कंटेनर को चीन भेजा जा रहा है ताकि उसका स्टॉक किया जा सके और सामान लेकर अमेरिका भेजा जा सके। यूरोपीय संघ और कनाडा ने भी टैरिफ बढ़ा दिया है। लाल सागर में संकट के कारण जहाज़ों के लिए भारत का रूट लंबा हो गया है, साथ ही भारतीय बंदरगाहों पर उन्हें लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। यही कारण है कि कई शिपिंग कंपनियां भारत आने से बच रही हैं। अच्छा जी, फियो के डायरेक्टर जनरल अजय सहाय ने कहा कि शिपिंग लाइसेंस हमारे पोर्ट्स पर आने से बच रही हैं क्योंकि उन्हें लंबा संभव सफ़र करना पड़ रहा है। हालांकि सरकारी अधिकारियों का कहना है कि बुरा दौर बीत चुका है और आने वाले महीनों में कंटेनर सप्लाई सुधार होने वाली है। एक अधिकारी ने कहा कि अगले 6 से 8 सप्ताह में सुधार हो जाएगी। अनुमान के मुताबिक अप्रैल से जुलाई के बीच में एक्सपोर्ट 6.6% तेजी आई है और सरकार इस फाइनेंशियल ईयर में इसे पॉजिटिव बनाए रखने की उम्मीद करती है। ये है पूरा कहानी। मेन है टैरिफ का कि चीन माल भेजना चाहता है, अमेरिका चाहता है कि उसको उस थोड़ा सा उसका चाबी टाइट करे इन चीज़ों को लेके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और बाकी। उसके वहाँ पे इलेक्शन है अमेरिका में, आप लोग जान रहे हैं अमेरिका में इलेक्शन है, तो वो अपना चाल चल रहा है और चीन अपना चाल चल रहा है, तो देखते हैं। यही दोनों की लड़ाई है। भारत अभी इसमें कोई पोजीशन में नहीं है। चीन और चीन भी कमज़ोर आप मत समझिए, दूर से देखता है हम लोग भारत में है तो लगता है कि नहीं, चीन का भी कुछ अच्छाइयाँ हैं और चीन के भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। इसलिए हर एक देश एक दूसरे के बराबर या उसका मान लीजिए कुछ ना कुछ कारण होता है, ऐसे ही आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। चीन भी भारत को नहीं इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि भारत उसका बहुत बड़ा प्रोडक्ट का खरीदार है, और भारत भी चीन को इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि अगर भारत भी चीन को इग्नोर करेगा तो बहुत सारा ऐसा सामान है जो उसको नहीं मिलेगा। ये था खबर चीन और भारत पे जो लगातार कंटेनर का डिमांड क्यों बढ़ रहा है।